press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी फाइल को, अगर आपका कंप्यूटर में फाइल है उसको आपको अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल को लगा लिया है, उसके बाद से उसको आप ओपन कर लेंगे। उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इंटरनल में मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप नया फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे इंटरनल में, तो न्यू फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। न्यू फोल्डर में आप जिस नाम से भी देना चाहते हैं फोल्डर का नाम, वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे उस नाम को यहाँ पे आप लिख लेंगे, या फिर नहीं नाम देना चाहते हैं तो न्यू फोल्डर के भी नाम से। तो इसको हमने ओपन कर लिया, फिर यहाँ से इसको छोटा कर लिया। उसके बाद से यहाँ से इस फाइल को आप ट्रांसफ़र करने के लिए दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एक फाइल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से एक फ़ाइल को दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या करेंगे, उस फाइल को आप ट्रांसफ़र जैसे ही करेंगे इस तरह से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करेंगे उसको आप कॉपी पेस्ट कर देंगे आप इंटरनल मेमोरी में ले जा करके। तो वहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको आएगा ऑल फाइल चूज करने के लिए, उसके बाद यस करेंगे तभी आपकी पूरी फाइल यहाँ पे पूरा क्लियर आपका आपके मोबाइल में चला जाएगा। या फिर आप इस तरह से तीन चार फाइलों को आप क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आप क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी फाइल जो भी रहेगी वो आपका क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में से आप जहाँ पे भी उसको भेजना चाहते हैं तभी आप मोबाइल में भेज रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल के इंटरनल में इस तरह से आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, यस कर देंगे तो आपकी जो भी वीडियो रहेगी या फिर आपका फ़ोटो रहेगा वो आपके इंटरनल में इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।